टुडेज वीडियो इज अबाउट MBBS कॉलेज की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए. मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने क्या क्या चीजें खरीदी थी और फर्स्ट ईयर से पहले भी मैंने कॉलेज शॉपिंग व्लॉग किया है कि बहुत शॉपिंग की है. बहुत ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली. सबको लूट लिया घर में, एक एक जन को लूट लिया. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत एक जन, वाओ. मैंने की है मेहनत. बहुत एसेंशियल चीजें खरीदी थी मैंने, शूज वगैरह और ये सब खरीदे थे. बहुत शूज पहने ही नहीं, उसके बाद देखा ही नहीं. कॉलेज ही नहीं गई तो कहाँ जा पाऊंगी. तकलीफ, दर्द और दुख. Lot of things that you need, especially अगर आप hosteler हो तो आपको बहुत ही सारे different type की चीजें चाहिए होती हैं. I used to study in a hostel and मैं एक एक चीज लेके जाती, like from detergent to toothpaste to everything. Even मेरे college में भी बच्चे bananas खरीद रहे होते हैं, fruits, मदर डेयरी से दूध ला रहे होते हैं. मैंने कहा यार ये तो एकदम घर जैसी सिचुएशन. मेरे पता है क्या होता था, सो माई डैड यूज टू वर्क इन अ बेकरी, तो मेरे डैड मेरे को एक कार्टन देते थे फुल ऑफ ऑल दीज बेकरी आइटम. सो माई फ्रेंड यूज टू गो नट्स, दे यूज टू बी लाइक द हैप्पीएस्ट पीपल. यूज टू वेट दैट आई विल कम बैक एंड आई विल हैव दीज केक्स एंड स्टफ. काश मैं इसके खाने के बारे में भी ऐसे ही बोल पाते. The most asked question is the iPad essential? Do people really need to invest in the iPad? इस पे मैंने भी बहुत कोरा पे answers पढ़े थे अपने seniors के, बाकी colleges के बच्चों के, कि क्या जरूरत होती है. Mostly, you know, 60-70% conclusions यही थे कि you should go for the iPad if you can afford it. It's a very good investment. I'll tell you why. Because क्या होता है कि जब आप notes बना रहे होते हैं ना, आपको बहुत type के notes बनाने होते हैं. एक notes आप class में बनाओगे, फिर एक notes आप अपने personal notes बनाओगे घर पे जाके पढ़ाई करते हुए. नीट पीजी के लिए जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके आपके थोड़े अलग से नोट्स होंगे, उसमें आप एक्स्ट्रा चीजें लिखोगे और वो सब. आईपैड पे होगा नोट तो आप कहीं भी कभी भी रेफर भी कर सकते हो. हाँ, वो नोट्स को किसी भी नोट आईपैड पे होगा नोट टंग स्लिप हो जाती है हमारी. हाउ ऑफन डू यू यूज योर आईपैड? आई यूज इट एवरी डे. मैं पढ़ रही होंगी ना तो मैं नोट्स बनाऊंगी, नोट्स के साइड में उनके डायग्राम बनाऊंगी. डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई डोंट मेक द डायग्राम्स ऑन माय ओन. आई यूज द बुक or the soft copy of the book that I'm using and I take a screenshot and I paste that screenshot there. So it's very easy to go through them na. E-books jo hai padhoge aap, kyunki itni mehengi books hoti hai medical ki, you can't buy all of them but you need to refer to some of them for some things. Maan lo cardiovascular system, aapko man kar raha hai ki main ek agent se padhungi but aapko ye hai ki main general physiology Guyton and Hall se padhna chahti hu, to aap sari books to nahi le sakte, to aap Guyton and Hall ka PDF le lo. PDF aap badi screen pe padhoge na, obviously phone pe to padhoge nahi. To it's a very good investment. If you can buy it then go for it and it has been useful for me. So iPad mein aapko good notes and notability do apps hote hain jinme se ek bhi aap khareed sakte ho. They're paid apps but they're like 600 500 600. You can like make acche se notes wahan pe, notebooks hoti hain proper and matlab it's very nice. So you can like properly form your notebooks, your notes virtually. A lot of people also ask की dissection kit कौन सी लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए. हमने वीडियो बनाई थी जब हम पुरानी दिल्ली गए थे, समझ में नहीं आ रहा कौन सी लेनी है और हमने आज तक अभी ये देखे नहीं अच्छी सारी टाइप की कैंचियाँ. मैंने तो पुरानी दिल्ली से ली थी बट ऑनेस्टली दो चीजें, एक तो ये कि dissection kit आप अपनी तभी लेके जाओ जिस दिन आपको डाइसेक्शन करना है. एंड हर कॉलेज में इतने बच्चे होते हैं ना कि एक महीने में भी सारे बच्चे डाइसेक्शन नहीं कर पाते, तो मेरा उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ. बट हाँ, इट्स एसेंशियल दैट यू हैव इट. एंड ग्लव्स आपको रोज चाहिए. हम तो ऐसा होता है जैसे लोग पेन मांगते ना एक दूसरे से, हमें ग्लव्स मांगने पड़ते हैं क्योंकि हम डाइसेक्शन हॉल जा रहे हैं, वहाँ ग्लव्स के बिना नहीं जा सकते. एंड यू कांट ऑब्जर्व इफ यू डोंट हैव ग्लव्स. भाई ग्लव्स दे दे, यही करते रहते हैं हम कॉलेज में. एंड यू शुड हैव योर एप्रन विद यू एट ऑल टाइम्स बिकॉज उसके ना आपको डाइसेक्शन हॉल में घुसने देंगे ना आपको प्रैक्टिकल लैब में घुसने देंगे. लेकिन एप्रिन तो कॉलेज खुलने के बाद आपको मिलेगा ना? मतलब मिलेगा क्या, हमने तो खुद ही बनवाया था बट आई थिंक मिलता होगा. बट हमारे को कोविड की वजह से कोई सेरेमनी या कुछ नहीं हुई थी. दुख तो बहुत है. डिडंट यू हैव अ फ्रेशर्स पार्टी? ओह यू डिडंट, सॉरी. बस भी करो. I will have one with the 2021 batch. So will you be a senior in that or will you be the fresher? बंद करो हाथ जोड़ के. What about clothes and shoes and accessories that you use? From a MBBS point of view, आपका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है जिसको आपको फॉलो करना है. जो आपके सीनियर्स भी आपको हमेशा बताते रहेंगे कि MBBS एक ऐसा फील्ड है जिसमें पेशेंट्स विल जज यू ऑन हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, ऑन हाउ व्हाट क्लोथ्स यू वेयर. आपको अगर हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, इफ यू वॉन्ट द पेशेंट टू बी टोटली ऑनेस्ट विद यू, टोटली कंफर्टेबल विद यू, देन यू नीड टू बी इन डिसेंट क्लोथ्स. विच मीन्स एक तो
फुल क्लोथ पहने, लाइक वियर सलवार कमीज और मतलब कुछ वैसे टाइप के कपड़े पहनो। आप तो कभी नहीं पहनते सलवार। तो मैं अभी हिस्ट्री थोड़ी लेने जाता हूँ पेशेंट्स के। स्कूल बात रही शूज सैंडल्स वगैरह की, देन यू शुड वियर शूज इन कॉलेज बिकॉज द थिंग इज, एक तो हम डाइसेक्शन करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपने चप्पल पहनी है। वन ऑफ आर टीचर्स टोल्ड अस दिस, मैं अपनी पोस्टिंग पे थी, मैंने चप्पल पहनी हुई थी। एक बंदे का ना मैं सैंपल लेके आ रही थी, वो इमरजेंसी वार्ड में आया था और मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी एंड मैं उसका ब्लड सैंपल लेके जा रही थी एंड ना वो गिर गया गलती से, मैं टकरा गई किससे एंड वो गिर गया एंड वो गिरा एंड वो मेरे पैर पे पियर्स हो गया एंड वो पियर्स हुआ तो उनको चोट लग गई उससे ऑब्वियसली, तो उनको भी खून निकला। और 3 दिन बाद पता चला कि द पेशेंट हैज डाइड एंड ही वॉज HIV पॉजिटिव। That is how like dangerous your profession is. So you can't risk with your safety. You have to wear a mask, you have to wear gloves and you have to wear your shoes and you have to be properly covered. But unfortunately, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है अभी। Unfortunately. Domestic violence can affect anyone. स्टार्टिंग में कभी भी कॉलेज जाते ही बुक्स मत लेना अपनी कॉलेज की, हर चीज की, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की और बायोकेम, तीनों की बहुत सारी टाइप की बुक्स आती है मार्केट में। आप पहले सबसे पहले जाओगे ना आपको वो बताएंगे कि व्हाट डज द कॉलेज फॉलो। सो फॉर माय कॉलेज BD चौरसिया वाज फॉलोड फॉर एनाटॉमी, तो वही है कि मैं पहले बुक्स ले लेती थी, समझ में ही नहीं आता। तो हमारे सीनियर्स ने हमको यही बोला था कि पहले कॉलेज जाओ, पहले देखो कॉलेज में क्या यूज होता है, पहले अपने दोस्तों से, अपने टीचर से मांगो, ओके ये बुक है, कोई एक दो चैप्टर पढ़ के देखो, देखो तुम्हें कौन सा बेस्ट लग रहा है। लाइक फॉर फिजियोलॉजी मैंने गलती करी थी, द बुक दैट आई गॉट वॉज AKJ, बट आई लाइक स्टडिंग फ्रॉम गाइटन एंड हॉल। नाउ दीज बुक्स आर सो कॉस्टली ना, सो यू कांट बाय देम अगेन एंड अगेन, नाउ आई हैव टू स्टडी फ्रॉम दी सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी हर बुक की मिल जाती है टेलीग्राम वगैरह पे, हर बुक की। तो आपको जो बुक ये है कि आपको इससे मेनली इसी से पढ़ना है, वही खरीदो। बाकी रेफरेंस के लिए तो आप टेलीग्राम यूज कर ही सकते हो, जैसे आई यूज ग्रेज एनाटॉमी, वो मैं ग्रेज एनाटॉमी के कुछ ही डायग्राम वगैरह यही सब देखने होते हैं तो वो मैंने टेलीग्राम पे देख लिया। ग्रेज एनाटॉमी वैसे नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। Also, a lot of people have asked us about marrow day. I get a lot of DMs asking me which plan you have taken. Is it important to take it? मैंने marrow का subscription लिया है around June July लिया है मैंने and it has been worth it for me, at least it has been worth it because I am a visual learner. Like मेरे को कोई video पे दिखाएगा कोई चीज और वही चीज same book में पढ़ने को बोलेगा, मैं book में सो जाऊंगी, but मैं video से पढ़ते पढ़ते ना मुझे अच्छे समझ में आएगा क्योंकि I am very used to the traditional teacher teaching and बच्चा listening and making notes method. तो मेरे को subscription ना बहुत जरूरी था बिकॉज आई नीडेड दैट पुश कि ओके मुझे दिन में ये 3 वीडियोस देखनी है, मुझे ये करना है टॉपिक, और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मैरो ने अपने सारे चैप्टर्स निकाल रखे हैं तो मेरे को तो वो बहुत पसंद है एंड मैंने इसलिए फुल ईयर ले लिया। पहले मैंने ट्रायल लिया एंड देन आई लव्ड इट, सो मैंने पूरे साल का ले लिया। बट यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्स योर नीड, अगर आप बुक से बेटर पढ़ लेते हो तो आप मैरो का 3 मंथ्स लेके देखो, आप देखो क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि आप लेक्चर्स ना, इट्स अबाउट क्विजेज, इट्स अबाउट टेस्ट, इट्स अबाउट their question bank and all of that. Like it's not just you know videos, you can do all of that stuff. Most probably from 3rd year things might change because NEET PG ke liye prepare karna hoga, to ho sakta hai I might go for offline, but abhi to online best hai, abhi main padh bhi usi se rahi hu and I'm doing fine. What about stethoscope, bone set and all these other things? First year mein it's not very much required, but like jin logon ko style marna hota hai wo to starting day 1 se le lete hain, but obviously humko jaise cardiovascular system padhate hain to physio mein hame zarurat padti hai practicals mein, but hame blood pressure napna sikhaya and all, but the thing is ki wo hame college se mil jata hai to hame as such zarurat nahi padti, it's not very cheap also. Aap khujli kyun kar rahe hai, daant khaj khujli ke liye kuch karte kyun nahi? The good ones aren't very cheap, but some of my friends have it and उन्होंने 1,000-2,000 टाइप का ले रखा है जस्ट फॉर काम चलाओ कि अभी फर्स्ट ईयर में तो ऐसी चीज़, अब प्रॉपर लिटमैन वगैरह का स्टेथोस्कोप तो ऑब्वियसली बाद में जाके ही लेंगे ना वो। एंड बोन सेट्स वगैरह की बात रही तो नॉट ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हैव इट, देयर इज अ ग्रुप इन माय कॉलेज, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स हु हैव गॉट इट, बट उन्होंने कॉन्ट्री करके लिया है बिकॉज इतना महंगा होता है बोन सेट। एंड वाई अगेन यू गेट इट इन कॉलेज, यू कैन स्टडी इन कॉलेज, यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू इशू द बोन्स एंड स्टडी इट एंड यू कैन रिटर्न इट बैक। बट वही है कि अगर आपको अपनी कन्वीनियंस चाहिए, घर पे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट अगेन इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉलेज में आपको रियल बोन्स दिखती हैं, वहाँ पे आप जो बोन सेट वगैरह लोगे दैट मोस्ट प्रॉब्ली वोंट बी रियल बिकॉज 1-1.5 लाख रुपए का होता है वो, तो आप जो सेट लोगे वो मतलब उसमें आप एक बेसिक आइडिया टाइप लगा सकते हो, विच इज ऑल्सो गुड कि आप घर पे कभी भी रिवाइज कर सकते हो, आप बोन्स देखो आपको ये पता रहे, और इट्स ऑल्सो वेरी कूल टू कीप अ स्कल। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? व्हाट अबाउट नोटबुक्स एंड स्टेशनरी?
आई मीन इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड क्योंकि आईपैड है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट वही है कि मैंने एक दिन जोश जोश में मैंने व्लॉग में दिखाया भी है कि मैं 3 नोटबुक्स लेके कि इसमें अलग से पढ़ूंगी मैं, वो खाली है अभी तक। पैसा बर्बाद। That's the end of the video, guys. I hope aapko isse kuch fayda hua. And we're also planning to make a video on how to be mentally prepared, what to expect from your friends, from your teachers, from your seniors. Video. Mujhe aisa lag raha hai ki ye jo MBBS karne wale hain unke zabardasti ke ye wo hai, you know, nakhre wagaira. Oh my God, main MBBS karne wale hain to mujhe to bahut khayal rakhna padega. Aisa hota hai. Unki life ekdam different. Wo na culture hi ekdam different hota hai. Jaise main apne doston se poochti hu, unke seniors wagaira. मैं कहती हूँ तुम सीनियर्स को विश नहीं करते? नहीं भाई। अरे क्या तुम सर नहीं बुला रहे? कहते नाम से बुलाते हैं। अच्छा पाप कर रहे हो। When I was in college, कभी ऐसा कोई सीन ही नहीं था सर मैम लाइक व्हाट द हेल। आर यू सीरियस? ये डर अच्छा है। हमारे में तो अब ये भी है, जैसे वही कल्चरल डिफरेंस है, एक ये है कि हमको फाइल्स वगैरह बनानी होती है जस्ट लाइक स्कूल, हमारे प्रैक्टिकल पीरियड्स होते हैं जिसमें हम लैब वर्क करते हैं। मेरे दोस्त कहते हैं तू फाइल बना रही है 11th में है क्या, तू फाइल क्यों बना रही है? मैंने कहा भाई इंजीनियरिंग में as such फाइल्स किसी में भी नहीं होती थी हमारे में प्रॉपर, जस्ट लाइक 11th 12th हमें पूरी प्रैक्टिकल फाइल्स भरनी पड़ती है, अपनी मैनुअल्स भरनी पड़ती है। सो एनीवेज वी विल नो मोर अबाउट दिस कल्चर डिफरेंस इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो। तब तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज 90,000 पे गिव अवे आ रहा है फॉर ऑल यू गाइस। लीव अ कमेंट, डू यू थिंक दीज MBBS स्टूडेंट्स गेट फालतू का फुटेज जस्ट बिकॉज दे आर इन MBBS? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट आप कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, हम आप भी को बताओ गाइस। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय। हॉस्टलर्स के लिए बहुत डिफरेंट जाता है, उनके कपड़े वपड़े, उनका पूरा ही लाइफ डिफरेंट है ना, वहाँ पे उनको तो रहना ही है, उनको कंबल वगैरह भी चाहिए होते हैं, या लॉन्ड्री तो होती है, इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन, और इलेक्ट्रिक केटल में मैगी बनाते रहते हैं, मैगी वगैरह लानी होती है, ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑल, तो वो उनका कंबल बोला मैंने कंबल मामा जैसे कैसे याद आ गया और ऐसे भी नहीं आ कंबल बेडशीट कर्टन पिलो कवर Okay, enough. Chappal, jute. enough. Ho gaya ye video. That's all up. That's it. Clearly. I'm a man of few words. Any questions?